किसान योजना, चाहे मैं जंगल में जाऊं, चाहे खेत में जाऊं, चाहे गांव में जाऊं, चाहे शहर में जाऊं, चाहे चौराहे पर जाऊं, हमको यही इनकी सारी योजना दिखाई देती है। और अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 24 घंटा गरीब और अमीर के लिए दो योजनाएं, गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कहीं भेदभाव कहीं नहीं रहता उनमें, बहुत सबसे बड़ी अच्छा ये है। हम ललई को यहाँ से विधायक चुन करके भेजेंगे और अखिलेश बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस समय हम सागन विधानसभा के गलगला सहित बाजार में मौजूद हैं और यहाँ की लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों की क्या राय है, आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? फिरोज खान। क्या माहौल है यहाँ, किसका माहौल है, दबदबा किसका रहेगा इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में? सागन सीट पर किसका दबदबा सबसे ज़्यादा है? समाजवादी पार्टी का। बताया जाता है कि उधर रमेश सिंह भी जो भाजपा निषाद प्रत्याशी हैं, वो भी काफ़ी अपना वर्चस्व जमाए बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई दबदबा नहीं है, उनका सुरेंद्र प्रताप ललई का दबदबा है। किस तौर पे आप सुरेंद्र यादव ललई को देखना चाहते हैं, क्या क्या उन्होंने पिछले 4 बार से वो लगातार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, क्या विकास रहा उनका, क्या कामकाज रहा उनका? अच्छा ही रहा, तभी तो 4 बार से विधायक हैं यहाँ के, तब रोड बनवाए हैं, वो क्या नाम है, हॉस्पिटल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, उनका काम अच्छा, इसलिए सब लोग उसको बार बार विधायक बनाते हैं। आइए यहाँ पर हम और लोगों की राय जानते हैं, क्या है उनकी राय? आपका नाम? राम मूरत वर्मा। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ भैया साइकिल हमारी आगे जा रही है, साइकिल कोई रोक नहीं, और साइकिल को कोई रोक नहीं पाएगा, और जो है हम ललई को यहाँ से विधायक चुन करके भेजेंगे और अखिलेश बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। ललई यादव के किसी 5 अच्छे कार्यों को बताइए। अरे ललई यादव ने हमारे यहाँ रोड बनवाया, गरीबों की मदद की, और उनके यहाँ पहुँचने पर जिस लायक रहते हैं हर काम के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं, 5 क्या है? उनका हम 500 काम बताएं, 5 काम, आप तो 5 काम कम पूछ लिए, मैं 500 काम उनका बताऊंगा। अभी हमने जब पीछे थोड़ी लोगों से बातचीत की एक रुधौली बाजार में, तो वहाँ लोग बता रहे थे कि यहाँ की लड़ाई त्रिकोणी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, साइकिल हमारी जो है 110% रेस में चल रही है, 100 तो कहा जाता है लेकिन 110 में जाएगी। मतलब आपके कहने का ये तात्पर्य हुआ कि निषाद पार्टी से जो रमेश सिंह लड़ रहे हैं उनका कोई नामो निशान यहाँ नहीं? नहीं, वो सब आए हैं चले जाएंगे, जैसे आते हैं चले जाते हैं, वैसे आए फिर चले जाएंगे। कोई नहीं, यहाँ मौजूद और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं, क्या है उनकी राय? हेलो सर, आपका नाम? विक्रमाजीत यादव है। देखिए यहाँ क्या माहौल है, यहाँ पर यहाँ पहले भी था और आज भी है, ठीक है। यहाँ हमारे भाई साहब शैलेंद्र यादव जो है हमेशा हम जैसे लोगों के लिए मदद करते चले आए हैं और मदद करते रहेंगे, और रियल चीज़ ये है हम लोगों को बेरोजगारी से निजात चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है, बिजली, सड़क, पानी, ये सब जो व्यवस्थाएं हम लोगों को चाहिए, ये सब व्यवस्था में वो लगे रहते हैं। ठीक, मान लीजिए आप तो विधानसभा सागन में ललई यादव को बना रहे हैं अपना चेहरा, उनको विजयी बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? भाई हम लोग तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। आपका नाम? राम साहब। किसका वर्चस्व चल रहा है यहाँ पे? यादव ललई का। किस तौर पे आप ललई को देखना चाहते हैं, क्या? ना ना, ललई में कई खासियत है, बहुत यानी कि बहुत पहले देख रहे हैं उन्हें। पहली चीज तो वह कभी भी किसी भी जात धर्म कामी नहीं, जैसे कि उनके पास कोई गया तो कभी नहीं पूछता आप किस कास्ट से हैं, किसी भी कास्ट का हो, उनके पास पहुंचता है, अपना काम बताता है, तुरंत पैड उठाते हैं, तुरंत लिखते हैं, सबसे बड़ी खासियत यह है एक चीज़ के, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, कहीं भेदभाव कहीं नहीं रहता उनमें, बहुत सबसे बड़ी अच्छा ये है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जैसे अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि रमेश सिंह भी काफी अच्छा लड़ रहे हैं, टक्कर में हैं उनके, तो क्या ऐसा आप मानते हैं? कहीं कर बहुत दूर तक रमेश सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक रमेश सिंह नहीं है, या सुरेंद्र ललई के सामने कोई नहीं उनके सामने टिक रहा है। सच्चाई ये है, लोग बने वो कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि जो चीज मंत्री जी में है वह किसी प्रत्याशी में नहीं है, जो
कि आधी रात को आप चले जाइए, आधी रात को आप फ़ोन कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप उनके पास जाइए, आप घर पे आप फ़ोन मिलाइए, वह तुरंत आप काम बताइए, आपका काम करने के बाद तुरंत और रिपीट करते हैं फ़ोन से, भैया मैंने आप काम कर दिया। यह चीज़ यह खासियत है उनमें, इसलिए लोग उनसे जुड़ते हैं, गरीब जुड़ता है, अमीर भी, सारे लोग उनसे जुड़ते हैं, हर कास्ट हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। पिछली चार बार से वो लगातार यहाँ सागंज विधानसभा सीट से विधायक हैं, किस प्रकार का काम उन्होंने किया है, कौन सा काम सबसे अच्छा है, एक काम कोई बताइए जो सबसे अच्छा हो। तो तत्काल में कोरोना पीरियड में उन्होंने एक काम गैस प्लांट आपको बैठवाया, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे, सागंज में, सबसे बड़ी काम यही इन्होंने किया। जौनपुर मेडिकल बुलाया, यानी कि इस तरीके से गिनाए तो आप थक जाएंगे, गिनाते गिनाते उन्होंने कितना कार्य किया यहाँ, और शायद है कि उनके जैसा ना यहाँ कोई प्रत्याशी है, ना कोई है, और ना आगे चलकर रहेगा। मतलब इस बार भी जो ताज है वो ललई यादव के सर पे चढ़ने वाला है विधानसभा सागंज जी, सेवर एकदम। हम तो बता रहे हैं कि करीब 95-97 से देख रहे हैं उन्हें, जो हमने अनुभव किया, बताया जाता है 2002 से लगातार विधायक, हमने अनुभव किया वहाँ उनके पास रह के देखा, न तो वह कभी भी किसी भी को फर्जी ढंग से या कहीं उसको कुछ कोई परेशान करता, अपने कार्यकर्ताओं को स्वयं कहते हैं कि देखिए भैया आप लोग काम करिए, गरीबों को वसीयत है, सही है चीज़ है, सबसे जो निचले तबके का आदमी है वो अभी एक फ़ोन करता है तो उसकी मदद मंत्री जी करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ सागंज विधानसभा की अगर हम बात करें बिजली की, तो क्या स्थिति है बिजली की, पानी की क्या स्थिति है? भैया मंत्री जी थे तो हमारे यहाँ आप घड़ी मिला लेते थे, टाइम मिला लिए तय करते थे कि लाइन कब कट रही है, उससे आप मैनिंग मिलाते थे, आज 22 घंटे ज़्यादा 22 घंटे ज़्यादा हो जाती थी कभी काल, और दीपावली हो, होली हो, और दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, अब बकरीद हो, किसी भी त्यौहार में कभी कोई किसी को मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्यूब हर वक्त लाइट रहती थी। इनके ज़माने में अभी देख लीजिए चल रहा है, अभी 8-7 बजे घंटा 1.5 घंटे के लिए लाइन काट दे रहे हैं, बराबर डेली चल रहा है इनका ये और ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ दुर्दशा थी कि हम लोग जाते जौनपुर ले आते थे, या इन्होंने यह व्यवस्था किया सागंज में कि एक फ़ोन करने के बाद ट्रांसफार्मर आप घर 24 घंटे में लग जाता है, अब ये ट्रांसफार्मर आपके यहाँ। बिजली व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी दुरुस्त की है सागंज विधानसभा में, अरे सागंज विधानसभा तो क्या उनके देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई थी, अरे क्या किए हमने, जो कर जैसे हम लोग एक किए थे मंत्री जी कराए थे, सर्वे हुआ था, जहाँ सर्वे हो तो वहाँ नहीं गया, दूसरी जगह हो गया, ये लोग यह किए काम मंत्री जी किए, हाँ, और उसमें दलाली ये लोग किए, मतलब कि आप मंत्री जी हमारे कभी भी एक दल्ला नहीं बैठता था, आज आप सुबह चले जाइए थाने पर, आप चले जाइए देखिए कितने गमछाधारी बार बांध के वहाँ बैठे होते, सुबह सुबह इंतजार करते हैं। इस सरकार को हटाना है, हम सबसे ज्यादा त्रस्त तो इस सरकार, इस सरकार में क्या कमियां हैं, किन कमियों की वजह से आप इस सरकार को हटाना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं, ये सरकार जो है कोई एक अस्थाई गरीब अमीर सबके लिए कोई योजना अस्थाई बता दें, हम मैं बता रहा हूं, इनके इनके सरकार में इनकी एक ही योजना हमको नजर आ रही 24 घंटा मेरी सेवा करते हुए, इनकी सारी योजना, चाहे मैं जंगल में जाऊं, चाहे खेत में जाऊं, चाहे गांव में जाऊं, चाहे शहर में जाऊं, चाहे चौराहे पर जाऊं, हमको यही इनकी सारी योजना दिखाई देती है। और अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 24 घंटा गरीब और अमीर के लिए दो योजनाएं, भाई मैं बहुत तो नहीं जानता, जितना जानता उतना बता रहा हूं, उनकी दो योजनाएं 100 नंबर और 108 नंबर। आज मैं चाहे जंगल में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, अगर मैं डायल करता हूँ तो मेरी सेवा के लिए 24 घंटा उपलब्ध है। वो इन्होंने क्या दिया हमको बताएं गरीब के लिए क्या? अच्छा, आप ये बताइए हमें, जो सागंज विधानसभा में शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ? अब भाई शिक्षा वाले तो जो पढ़े लिखे वो बताएं, हम तो पढ़े हैं नहीं। शिक्षा का यही माहौल है, कोरोना में जब स्कूल पहले स्कूल बंद रहता है, जितना कोरोना सब कोरोना पीरियड में सारा स्कूल बंद था, सारे शिक्षा चौपट हो गई। अब हो गया कि उसको क्या नाम है, ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे, शिक्षा कुछ नहीं है, कुछ सारी शिक्षा चौपट है यहाँ की, बेसिक कुछ खत्म है, कोई शिक्षा नहीं है यहाँ। बताएं ना आपका नाम? सौरभ यादव। क्या माहौल है यहाँ, किसका वर्चस्व रहने वाला है, किसके सर इस बार विधानसभा सागंज का ताज लगने वाला है? ये तो इलेक्शन के पहले ही फिक्स हो गया था कि इस बार ललई 1 लाख पार है।
किस तौर पे आप ललई यादव को देख रहे हैं यहाँ पे? पिछले चार बार के विधायक में इन्होंने जो कार्य किया वो पूरी उत्तर प्रदेश के जितने भी विधानसभा हैं वहाँ के जितने भी विधायक हैं ऐसा काम नहीं किया कोई भी काम है सरकार ने। दो नेक कार्यों को बताइए, सबसे बढ़िया कार्य जो उनका सफलतापूर्वक एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ हो। उन्हीं के माध्यम से तो जो मेडिकल कॉलेज आया उन्हीं के माध्यम से आया, गैस प्लांट लगाया जब कोरोना काल में, हमें पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी के रहते हुए प्रदेश में लोग कोरोना की वजह से मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, गैस प्लांट को ले आया। आज आधी रात को कोई भी जरूरत आती है तो एक बार फ़ोन करते हैं चले आते हैं। और रही बात शिक्षा का, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर एक जिले पर जौनपुर ही है, तो जौनपुर का विधानसभा सागंज है, तो शिक्षा का मतलब पूरा जिले का सबसे टॉप शिक्षा सागंज में है। लेकिन पिछले 5 सालों से ऐसी शिक्षा हो गई है कि बच्चे घर से निकल नहीं पाते हैं, इनका सबसे फोकस रहता है पढ़ाई, अगर बच्चों की पढ़ाई ये रोक देते हैं तो लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे। जो यही रैलियों में आप बोलेंगे वही ये समझेंगे। अभी कुछ समय पहले अमित शाह ने अभी स्पीच दिया कि अगर आप 12वीं पास होकर इंटर में एडमिशन कराओगे तो आपको लैपटॉप मिला जाएगा। जब एक देश का गृह मंत्री ऐसा बोल रहा है तो सोच लो इनके राज्य में 5 साल में इन्होंने शिक्षा को किस कदर ले गया, शिक्षा की एकदम तहस नहस कर दिया। अगर 5 साल और रह जाते तो लोग बेरोजगार नहीं, भुखमंगे हो जाते, भुखमरी और कोरोना से भी बड़ी भुखमरी आ जाएगी।